का छठकन्नु का छः तारीख छः अरे ऊपर आ गया। अच्छा देव छः अरे छः बोल रहे हैं पाँच मई यहाँ टट्टी पड़ा है थोड़ा आगे आ जाओ भैया। पाँच मई देव खाओ देव छठकन्नु आओ कह दिए भाग रहे देव खाओ देव देव खा देव खा देव खा दे भैया सबको ही खाओ भाई सबको ही खाओ देव भैया देव लूटी खाओ। अरे ले दे यार डरो मत वो छठकन्नु आ रहे हैं भैया ये खा लो भैया ले छठकन्नु खा लो भाई ये छठकन्नु खा लो भैया। वो कह दिया डर रहो कुत्ते की ना डरो कुत्ते को मत डरो खाओ। ये बूढ़ा सरदार आ गया हटो दिया नहीं एक झापड़ कस के खाओ लो भाई खाओ। अरे वो हटकटी आ गई ले 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 हटकटी ले 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 हटकटी आ गई हटकटी आ गई ले हटकटी ले खा ये हटकटी खा ले जल्दी जल्दी अंगूर भी खा ले लूटी खा ले हाँ तुम भी खा लो। रुक जाओ भी तो लोगों को मिल रहा है रुक जाओ भी मिल रहा भी सबको मिलेगा खाओ खाओ हटकटी जल्दी खाओ। हाँ किनारे हो गए थोड़ा लो लो खाओ खाओ डरो मत हम सबका दे रहे हैं लो खाओ। ये लो भैया रोटी तुम भी खा लो खाओ यहाँ रोटी खा लो रुक जाओ भी मैं जा इसके भी पेट में बच्चा है एक वो आ रही लावोस आ रही इसके भी पेट में बच्चा है। हाँ तो गेहूँ लेके आए हैं कल सारी रोटी हम चले गए थे राम सिंह के गांव लेके अभी गेहूँ तुमको दीवार पर देंगे रख जाओ जरा खा लीजिए बेचारी। मैं ये अदल मुही आ गई इसको भगा देगी अदल मुही हट या देखा है सब बूढ़े सरदार बहुत मारा बच्चा एक दौड़ा रहे खा दो हाँ खा दो हटपटी जल्दी खाओ इनको भी दे दे। अरे गाड़ी 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 फसरी गाड़ी हमारी मुसीबत यहाँ देंगे तो यहाँ यह वो कच्ची जगह है उस पार आ गई होती कटी खा रही है ये लाओस बस हो गया इसमें गेहूँ है कटी खाली सूखा गेहूँ है और न चना है न ज्यादा रोटी है लावस दिया एक झापड़ कस के हाथ कटी का डर वाए तो आओ आओ दिया एक झापड़ कस के खाओ ये हाथ कटी के बच्चे हैं पहले के सब पिछले साल वाले आ जाओ भैया ये हाथ कटी फिर घूम के आ गई देखो ये खा रही है उधर से घूम के आ गई इसी को देख करके। हाँ आओ ललमुही थोड़ा जरा पीछे रहो दिया एक झापड़ है ललमुही हट खाओ खाओ हटकटी जल्दी जल्दी खा लो हाँ खाओ 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 लो बिन मुंडी लो। अरे तुम लोग वहाँ बैठे हो लो भैया लूटी खा लो बिन बिन के सब कोई आसमान ये देखा देखा ए आई थे बोले सरदार अब यहाँ हम हर जगह हटकटी के भगा दे नहीं तुमका अभी हम बताई थे बढ़ऊ अभी बताई तुमका हम ए बिन मुंडी अब चलो हो गया अभी रुक जाओ बढ़ऊ तुमका हम बताई थे जरे हटकटी खा लिए हमका उठे दे तुमका मथुरा पेड़ा देवता करेंगे तो देखो आज ये सबको बुद्धा दौड़ा रहा फिर टेंपो वाले मर रहे भगवान अब यहाँ कच्चे में कर देंगे तो मिट्टी में सब बर्बाद कर देंगे ये सब और किनारे हो जाओ भाई खाओ जल्दी जल्दी खाओ हटकटा हटो लगन हुई हटो हटो ये जिन कर रहे थे ना बोलो बहुत मारा बच्चा यहाँ हुई है हाँ तो कहो बुढ़ा यहाँ बैठा खा लो जरा हाथ से छुआ तो कर रहे से आवाज निकाला जात हटो कर से बोलने का मतलब कि अरे अरे उधर से सब आ रहे हैं भगवान ये देखो वो कटा वाला मार रहा है खा लो जल्दी जल्दी खा लो
जो गेहूँ लाए हैं सब दीवार पर रख देंगे। अच्छा हाँ, एक गोद में बंदरिया बच्चा देके बैठी है। हटो 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 छोटनु, हटो हट, निकल जाओ धीरे 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 धीरे। खाओ हटी खाओ, रुक जाओ रुक जाओ। हो कैसा तुम लोगों ने छेड़ दिया, अब सब आ रहे हैं एक जगह है, सब खा रहे हैं। 5 मई को आप सब देख रहे हैं कि पूरी झुंड आ जा गई और सब यहीं जहाँ पहरा पड़ता है वहीं सब आते हैं। ये देखो वो चले आ रहे हैं हमारे खाद से, आज उधर से आए हैं क्या, बरगद चौराहे पर रहो क्या तुम लोग, खा लो खा लो खा लो खा लो। लीजिए उदित जी, आपका कहना है कि फोटो आपका आना चाहिए, तो मैं देख रहा हूँ आपको, हमारी गाड़ी खड़ी है, ये बानर भोज हो रहा है। राम भजन जी दुबई से फ़ोन किया था सुबह, गोरखपुर के रहने वाले राम भजन रावत, सज्जन व्यक्ति थे। कहन बाबा जी हम कुछ आएंगे मिलेंगे, हम कहा आपको कोई ज़रूरत नहीं, ना आपको मिलना है ना पैसा भेजना है, हम आपके नाम से भोज कर देंगे। वहाँ एक बॉम्बे की हैं, ए झापड़ मारब, वो क्या नाम उनका है, नाम है भावेश, आगे सर नेम नहीं याद आ रहा है, नोट करना पड़ेगा, भावेश जी उसका कंप्यूटर का काम करते हैं, वो आए थे सबको दे रहे हैं। ए हथकटा आप जल्दी करो, अब जल्दी करो, वो देखो जल्दी करो हथकटा, तुम्हारे साथ में अब एक एक दाना हथकटी न बिन के खाओ, छोड़ो अब इसको बिनो, हम चलें, ए चले चले चले, बस करो बस करो बस करो, अब खाओ खाओ जल्दी से बिन के खाओ, इसी में बिन के खाओ सब कोई। वो हमारी जो बॉम्बे की हैं वो उन्होंने फ़ोन किया था, जितने लोग भी हैं, कोई हैदराबाद से है कोई बॉम्बे से है, तो आप लोगों के परिवार के तरफ से मैं भोज कर रहा हूँ। ये गेहूँ मैं निकाल के सब दीवार पर रखूँगा, आओ अब दीवार पर खाओ, सब कोई आओ दीवार पर आओ, यहाँ डालेंगे, ये महीन दाना है, खाओ बिन बिन के, सब महीन दाना है, लो खाओ, ये यहाँ खाओ, कुछ दीवार पर आओ, ठीक, कुछ दीवार पर आओ, कुछ यहाँ खाओ, आओ यहाँ भी आओ, यहाँ भी खाओ, चलो मिट्टी नहीं लगेगा, बिन बिन के दाना खाओ, आओ लो भैया खाओ, खा लो खा लो खा लो, लो भैया खाओ, ये जंगल हटरा कट जाए तो वहां तक हम दे दें, ठीक है साहब। लो छोटे ले लो भैया, आज गेहूँ गेहूँ खा लो भैया, तन करते वही का खा दो छोटे का, हाँ गेहूँ खाने दो। लो भैया आज इसी से काम चलाओ, आज मंगल है भी, लोग आएंगे तमाम, कोई बिस्कुट लेके आएगा, वही टेम्परेरी वाले सब, लो खाओ खा लो भैया छटकन्नू, अरे गेहूँ गेहूँ छटकन्नू खा रहे हैं भाई, अले नाम लाम अले नाम ला, ये कटहर वाला आ गया देखो, खाओ गेहूँ नहीं खाओ खाओ, सब जगह 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 दे दिया, लो खाओ ये खाओ बिना खाओ सब कोई, आज इसे इस काम चलाओ, मंगलवार है भी, तमाम लोग आएंगे दिन भर खाना, दूर दूर रखने से देखो यही होता, एक दूसरे को दौड़ाते हैं दीवार पर, सब कोई नहीं खा पा रहा, ये लोग हिम्मत रहेंगे जो दीवार पर चले जाएं, वहाँ शाही परिवार है, इनके यहाँ भी शाही परिवार के लोग आंकलन करते हैं, हमको ऐसा लगता है, ये जंगल जहरीली ससरा घेरा कट गया होता कुछ अंदर डाल देते, हाँ कहाँ कहाँ कहाँ, ये लो खाओ जगह जगह खाओ, लो जगह जगह खाओ, कहाँ ये जगह जगह खाओ भाई, सब कोई जगह जगह खाओ बिन बिन के भाई,
था सब कोई। ए बदमाशी मत करो, कांटा सफरा हट जाए, हटेगा नहीं जल्दी, ये कहो सालों पड़ा रहे। लो भैया खाओ छिंदे बिन से खाओ, लो छटकन्नू खाओ यार, मुंह देख रहे हो। चने साहब लोग फैले हैं दूर दूर तक, हम देंगे सबको, जगह जगह गेहूं पड़ा, गेहूं थोड़े इनको अच्छा लग रहा है, इन बाद में कुछ तो खाएंगे, जो भूखे हैं वो सब खाएंगे। ठीक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो हमारी गाड़ी में मर रहे हैं सब, यह देखो, हटो भैया, और रोटी नहीं है। अच्छा देव देव लो छटकन्नी, अरे लूटी है, लो छटकन्नी, देव लो लो छटकन्नी, लो ले लो ले लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, छटकन्नी लेके भागे। तुम लोग हटो यार, बड़े हो गए दिया एक लाख, लो छटकन्नी लो, देर है देर है, अरे ये छटकन्नी लोग आ गए, लो छटकन्नी लो खा लो छटकन्नी लोग, ये लो ये झोले में ही लटक रहे, लो छटकन्नी लो खा लो भैया छटकन्नी, आओ भाई आओ आओ, सब मांग रहे हैं, आओ। तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो, हैं गाड़ी बना रहे पास, आम नहीं छिट गए, हटो चट, कटहा बालम गेहूँ खा रहा है। और यहाँ यहाँ खाओ आके गेहूँ बिन बिन के, सब कोई ये घास में डाले दे रहे हैं, सब कोई बिन बिन खाओ, सब कोई बिन बिन खाओ, यहाँ भी रखते हैं मुक्के में, सब कोई खाओ। तुम आज बूढ़े सरदार सबका भगावत रहे हुआ है, उठा के पटकी का तुमका हम देखा, हुआ मत जाओ ना, खाओ खाओ, फिर हुआ जो उठ रहे, फटो बोलो फटो, ले हुआ कर रही हो, ज्यादा आगे जाओ तो हुआ फिर चिल्लाए लगी है, प्राण निकले लगे थे लोगन के, इधर आओ यहाँ खाओ आके एक जगह, फटो खाओ, दूर दूर रखने बैठ, यहाँ भी रख दो। तो भाई रोटी नहीं है आज, खाओ सब कोई गेहूँ खाओ, यहाँ भी गेहूँ रख ले, भूख में एक एक दाना खा जाते हैं। मंगलवार है, कहने को लोग फॉर्मेलिटी करने आ जाएंगे, अरे दाना लाओ भर दो कस के, दिन भर खाएं, भूखे आदमी को हमको सूखी रोटी देने में मजा आता है, तो कम से कम रोटी सूखी रोटी की भी तो कदर करे, वो मुसीबत में चटनी और पापड़ रायता बांट रहे हैं, क्योंकि समाज अंधा है, समाज ताली बजा रहा है, अरे वो काम करो जो हमेशा निभा जाए, वो कर लो। एक साहब टीका टिप्पणी फेसबुक में पढ़ा, उनको एक बहाना चाहिए, वो नशाबंदी है और शराब बिक रहा है और ऐसा है वैसा है, तो मेरा उनसे ये सिर्फ एक बात कहना है कि कुछ भी हो रहा है, जो अभी तक गद्दार थे देश में, देश को खोखला बना दिया था, देश कहाँ से कहाँ जा रहा था, हैं उनसे तो अच्छा है ना ये, उनसे तो करोड़ों गुना हमारी ये मोदी सरकार अच्छी है, बस बात खत्म। लोग देश को खोखला बना रहे थे, खोखला बना दिया था, ईद बकरीद में बिजली, होली दिवाली में बिजली गायब, यही हो रहा था ना, तुष्टिकरण, कहाँ से घुस गए सब। आज हम भारत को भारत कह सकते हैं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कह सकते हैं, कांटा कांटा कांटा, यहाँ देखो कांटा से जरा जंगल जी गए, वाह छटकन्नी लो भैया, इसमें कितनी ही लूटी लूटी भैया, ये लो 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 छटकन्नी लो, खा लो अंगूर खा लो, हटे यार उसमें खाने को, हटो
चलो उस पार भी दे दें किनारे किनारे, खाओ सब कोई, आओ खाओ ना, खाओ ना खाओ, सब कोई खाओ, बिन बिन खाओ, चलो सब कोई बिन बिन खाओ, खाओ सब कोई। आओ दीवार पर आओ, आओ भाई ऊपर आ यार, ऊपर खाओ। हाँ ऊपर नहीं जाओगे, अच्छा यहीं खा दे, ऊपर ना जाओ। चलो आ गए, कुछ मिला तो इनको, कहाँ ना मंगलवार, चले थोड़ा मूल भारती की वो रख दें, लाख समझाओ फार्मिलिटी वाले। हैं दे दिया, दे दिया क्या, अभी कुछ दिया? अच्छा ठीक जी, जी समझो। हाँ हाँ खीरा ला रहे हैं, तो ये सरो बुंदल है ना, हमको खीरे में लोग पेट भर जाएगा। हाँ हाँ काफी वो उसमें पेट नहीं भरता क्या? हाँ 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 सही बात है। खीरा तो साले चिल्ला लगा कि भाई तुम 2-10 रुपए किलो खीरा खिला रहे हो, और चिल्लाओ केला ला मजूरा, अरे केला महंगा, तुमका खीरा जो है ले रहे 5 किलो। उनसे पूछो कि तुम किसकी औलाद हो, तुम साले क्या कर रहे हो? वही तुम कह रहे ना, ये बड़े बहुत कुत्ता बड़ा हो, बड़ा बेशरम है। अच्छा दूसरा चीज है, फिर वहाँ ना खिलाओ, अरे भाई ये तो इनको कहाँ तक ले जाएं, कहाँ ले जाएं? नहीं नहीं ले नहीं, इनका अड्डा यही है। जी जी रहते यही है। हाँ यही रहते हैं तब? लेकिन कभी कभी इधर पंडित जी, कभी इधर। हाँ हाँ कभी इधर, कभी उधर पंडित जी। नहीं नहीं अब फिर पूछा जाए जी, हराम जाते ये खा के यहाँ कोई बैनामा दिखवाएंगे क्या? ये खाएंगे और चले जाएंगे, चले जाएंगे। और जहाँ अच्छा जहाँ इनका अड्डा है उनको वहाँ से सारे हटाओ। हाँ जहाँ इनका अड्डा है वहाँ से हटा के दिखाओ। अभी कल बहुत कमीना आदमी कृष्णदासपुर में, वहाँ बंदर बहुत है। हुँ. तो आप समझ लीजिए उन्होंने जो है बेचारे कहीं खीरा कहीं केला कहीं बिस्कुट ये सब खिला रहे हैं। एक अड्डा हम आपको और बता देंगे, देखिए यहाँ झोले में खा रहे हैं घुस के। हाँ खा रहे बड़ी। हाँ सुनिए एक आप किसी मंगलवार को आइए, इनको जो देना है हमारे साथ चलिए, यहाँ से है एक करे मुश्किल 18 किलोमीटर, मोटरसाइकिल से 18 जाना होना दिक्कत नहीं है। 18 वो काले वाले बंदर है वहाँ, कहाँ पर? यही राम सिंह के गांव मझलहा में। काले बंदर को भी साथ चलिए, भोज हम दिखाएंगे आपको जी जी। और उसमें 1 रोटी 2 रोटी आपका भी हो जाएगा, बाकी हम अपना खिला के आपके साथ चले आवेंगे। कहिएगा तो हम 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवा देंगे। नहीं आप तो ऐसी बात करें बड़ी, नहीं मिलजुल के हम लोग करें तो अच्छी बात है। ये नहीं हम खीरा लाए थे जी, तो सारा चिल्लाने लग गया हमका यार। नहीं नहीं अरे बड़ा बेशरम, कितनी बार जूतों से मारा गया, कितनी बार माँ बहन की गाली उसको दी गई, वो बड़ा कमीना बड़ा बेशरम है। अरे आप भाई हम इस बेचारे भूखे हैं जी जी, तो हम 5 किलो खीरा ले आए थे, काट करके लाए, वो भी काट के लाए थे। सरकार जो है ये देखिए झोले में कैसा घुस के खा रहा है, बता तो रहे ये कुछ नहीं बोलते। सरकार जो है इस समय पूरी व्यवस्था इनके लिए कर रही है। हाँ। पशु अस्पताल से भी इनको रोटियां दी जा रही हैं, हमारे यहाँ रोटी भेजी जाती है। यह है अब आज कुल राम सिंह के कल गांव गए थे, एक बंदर का बच्चा खत्म हो गया था तो उसको दफनाने गए थे कल, रामनामी में लगा के देखो देखो ये बदमाशी का कर रहे हो, खुराक खा लिया हटो, गेहूँ नहीं खा रहे जाके गद्दी फाड़ रहे हो, तो कल गए थे तो कल वाला राशन जो है वहीं लेके चले गए, तो वहाँ थोड़ी सी रोटी बाकी सूखा गेहूँ लेके आए, कुछ तो इनके पेट में जा रहा है। अरे रुको यार छीनो मत, नहीं नहीं अरे वो उसके ऊपर ध्यान मत दो, बड़ा बेशरम वो मिलने वाले भगवान का मिल गया यार। जी जी भाई देखो ये हम थाना से पुलिस से रिपोर्ट करें, फलाना करें, ढिमका करें जी, समझे? देखो ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ तक? नहीं नहीं इस समय पुलिस वाले इनको खिला रहे हैं, इस समय पुलिस वाले ही इनको खिला रहे हैं। सरकार से उत्तर प्रदेश योगी जी का आदेश है, लो खाओ खाओ, लो खा लो खा लो खा लो खा। ये बुढ़ऊ तुम हटो यार, तुम हटो बुढ़ऊ, हटो हटो हटो,
हटो, हाँ खाओ खा लो। हाँ हाँ, ये थोड़ा ये भीगा गेहूँ है के प्रेम से खा रहे हैं। हम भी ये सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। एक दिन राम सिंह के गांव जो है, आपको मंगल को ही, अरे आजकल तो रोजे मंगल है आपका, तो आप किसी दिन सवेरे खूब सवेरे आओ हमारे यहाँ और बस सामान दे दें हमारे यहाँ, हम रोटी हम पहले से हमको फोन कर दीजिएगा, हमारा फोन नंबर नोट कर लो तो फोन कर दीजिएगा, फिर साथ चलेंगे। 18 जाना 18 आना, तबीयत आपकी गदगद हो जाएगी बाबा। आप आओ, वहाँ जाने का चमत्कार भी आप देखोगे, कितना बड़ा चमत्कार है वहाँ पर। हाँ, शनि मंगल के नाम से मंदिर वहाँ बन गया, 11 बंदर गड़े हैं उस मंदिर में। हाँ तो खाओ, नहीं कर पाते। नहीं नहीं, हम कहते कुछ भी हो, 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, भाव तो है आपका। हाँ हाँ, नोट करो, 700 7 9 1 3 3 0 8 0 8 1 3 7 0 7 9 1 3 3 0 8। हाँ, साधु एक नंबर और नोट कर लो उसी के नीचे यहाँ पर, 94 5 00 8 9 1 2 7 2 7। इससे बात कीजिए जब हो इच्छा, पहले हमको बताइए तो हमारे यहाँ लड़की रोटी बनाने आती है, हम रोटी बनवा लेंगे। ठीक, रोटी हमारा होगा, पेट्रोल आपका होगा, हर जा क्या मिल क्या काम करो। हाँ नहीं ठीक कर रहा, फिर हम पेट्रोल थोड़े देंगे आपको। चल चलिए साहब, कम से कम पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जीव सेवा के लिए आप ही लोगों को तो धर्म आगे रहा। अरे जैन धर्म जो है इसने पूरे विश्व को ही, आज जो हम मास्क लगाए हैं, आपके जैन मुनि मास्क तो लगा रहे हैं जमाने से, आज भगवान ने सबको मास्क लगवा दिया। तब आज आप ही लोगों के धर्म का पालन सरकार भी कर रही है। पशु बुरा बुरा लगा, गाली वाली दिया उसने, हमका गाली हमका था साथ हम। नहीं नहीं, अरे वो बड़ा बेहुदा बड़ा बेशरम आदमी है, अरे कितनी बार मारा गया, थप्पड़ों से मारा गया। अच्छा, अच्छा। कोई हाया शर्म नहीं, कोई हाया शर्म नहीं उस आदमी के अंदर। नहीं हम कहा फिर नहीं नहीं, पुलिस अरे भाई इनको इसमें क्या होगा, हमका 5 किलो लिया तो बिखार दिया, बिल्कुल खा लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक किया। अब लाइए, बस यह है कि सड़क के किनारे किनारे दे दीजिए, बीचों बीच सड़क बंद दीजिए। ना ना ना, किनारे 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 कम से कम उनका पेट तो भर जाए, कम से कम उनका पेट तो भर जाए। खाओ खाओ, तुम बिन बिन खाओ, सब कोई बिन बिन खाओ, खाओ कस के खाओ। सबके गोद में बच्चे भी हैं, अभी खाएंगे नहीं तो दूध कैसे पिएंगे बच्चे का। सब भाई आज देश दुनिया देश विदेश से हम कैसे जुड़ गए, कितने लोग हमसे जुड़ गए कि बाबा आप ठीक कहते हैं। हमने लोगों से यही कहा कि साहब हम हनुमान जी के ऊपर लड्डू चढ़ा के खुद ही खा जाते हैं, ये कौन सी पूजा है ये, और हनुमान जी पत्थर के हैं ना, ये तो सचमुच के हैं उनकी सेना, तो जो साकार है उसको खिलाओ। पिताजी आपके बीमार पड़े हों और आप जाके पिताजी के फोटो में खिलाओ और पिताजी को दवा न दो तो दुनिया आपको क्या कहेगी। यही हमारे समाज में है, ये बंदर की सेवा हनुमान जी की महासेवा है, महाभंडारा है। इसी तरह राम सिंह के गांव ले चलेंगे आपको और एक बार वहां ले चलेंगे भावरेश्वर। भावरेश्वर आपको आपको एक पैसा नहीं लगाना है, तो गाड़ी हमारी जाती है ही। हाँ, वो गाड़ी हमारी जाती है ही। पंडित जी उस रोज अगर आप हुक्म करें तो केला लगाते, वो केला या
नहीं, वहाँ के लिए जो राम सिंह के गांव में हम खिलाएंगे केवल रोटी, आप एक किलो आधा किलो आटे का पैसा हमको दे देना बस, रोटी हम बनवा देंगे। हमारी लड़की बनाती है 2.5 किलो आटे की रोज रोटी बनाती है, वही तो इनको हम दे रहे हैं। जब राम सिंह के गांव चलेंगे तो 4 किलो की रोटी बनवा देंगे। 1 किलो आटे का पैसा हमको मालूम कितना आपको देना होगा, मात्र 20 रुपए। अब बोलो अच्छा सर, नहीं नहीं जो मैं हमको 20 रुपए में ग्राम प्रधान है वहाँ जहाँ मैं खिलाने जाता हूँ, यादव है सारी ग्राम यादव, उसने कहा महाराज 1 क्विंटल आपको आटा चाहिए, 1 क्विंटल तो भी हम गेहूँ के भाव आपको देंगे, ना हम जलन काटेंगे ना आपसे पिसाई लेंगे, हाँ उससे उस हस्ती से भी आपको मिलवा देंगे। ऐसे लोग गांव में पड़े हैं, तब शहर में फलाने सेठ धमाके सेठ भंडारा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, समझ गए। फिर तो आपकी मंगल के प्रोग्राम की आप जिस दिन आपको सूट करे आपको नहीं हमारे में सूट है आपको, हाँ, तो, आपको हमेशा सूट है। तो आज कौन सा दिन है? आज मंगल है। आज मंगल है तो कल रख लीजिए, कल है परसों है जैसा हो, कल बुध है तो क्या हट जाओ। अच्छा, हमको मंगल शनि थोड़े देखना है, हमको मंगल शनि क्या कहा हनुमान जी मंगले का खात रहे का, हमको मंगल शनि नहीं देखना है, कल कल रख लीजिए शुभम शीघ्रम, पता नहीं परसों क्या हो जाए, दुनिया रहे कि न रहे। हाँ, हाँ। इसलिए कल सुबह जो है आप अपना शाम को पक्का बता दीजिए कि हम पंडित जी कल कई बजे हम आपके यहाँ आई, सवेरे उठ जाइयो कि न उठ जाइयो। अरे बस बन गया, आप हमारे दरवाजे आओ और वहीं बस इसमें अपना गाड़ी में तेल डाल दीजिएगा। हाँ, अरे 18 जाना 18 आना, कोई बात नहीं बहुत होगा, हम अच्छी रास्ते चलेंगे तो 20 जाएंगे 20 आएंगे। अच्छे रास्ते चलेंगे फिर, अच्छे रास्ते चलेंगे। हाँ तो 20 चलो 20 आओ 20 जाना 20 आना, तो अच्छे रास्ते चलेंगे। बस और आपको कुछ नहीं ले जाना, हम 20 रुपया आपसे ले लेंगे नहीं उसी में आपको हम शामिल कर लेंगे, बात खत्म। देखो जैन साहब, काम वो करो जो आसानी से हो सके, है ना। ये आपके धर्म को इतना उत्कृष्ट बना दिया गया कि किसी की हिम्मत नहीं कि जैन मुनि बन जाए, जैन मुनि बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ठीक पंडित, कल जो है हम आपको 5 बजे 6 बजे टेलीफोन करेंगे। आप हम नहीं सुबह नहीं, आप दिन में हमको अभी दोपहर तक पक्का बता दीजिएगा। पक्का हमारे लिए पक्का है पक्का। तो बस आप कल सुबह आओ, अभी हम आज रोटी बनवा देते पक्का हैं। हमारा पक्का, हमारा पंडित जी इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हमको। बात 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 भगवान की। अरे भैया वो केसरी के वंशज हैं, जो काला वाला बंदर है हनुमान का वंशज वही है, और ये है उनके फूफा मामा और मामी वाले, ये बादी सुग्रीव के वंशज हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि जब से आप इनको खिला रहे हैं कुछ चमत्कार कुछ राहत आपने देखा होगा, देखा है ना, ऐसा नहीं इतने दिन से आप जुड़े हो, कुछ है कुछ देखा है आपने। और जो वो विरोध कर रहा है विरोधी कि उसका पेंदा काट दिया गया कि नहीं, पहले शौच में कहाँ तक बढ़ा रहा है, लाखों का नुकसान उसका हुआ कि नहीं हुआ, लाखों का हुआ। ठीक है महाराज, फिर कल पक्का है आप मेरे दरवाजे आइए, पक्का पक्का। दुर्गा मार्केट के पीछे हमारा घर तो जानते हैं ही, हम इंतजार करेंगे, फोन हमको सवेरे आप 4 बजे कर दीजिएगा, 5 बजे बाबा मैं आ रहा हूँ, रोटी आज हम डबल बनवा लेते हैं, ठीक। और वहाँ से लौट के आएंगे तो इन लोगों को खिला के सीधे घर, हम जब जी चाहे आप पेट्रोल आपका आटा मेरा, नहीं जो मैं कह रहा हूँ है, अगर मान लीजिए उसमें भी दिक्कत होती तो एक साहब को मैंने तय किया कि भैया 100 रुपये हमसे ले लिया करो और पिसरौल के नाम पर, और साथ चलो वो ठाकुर हैं अच्छे हैं लेकिन वो बड़ी सनकी टाइप के हैं, वो गायब हो गए। हमने कहा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, नहीं हमने कहा तुम हर हफ्ते चलो, हर हफ्ते वो काले वाले बंदर ही कल मैंने भोज किया है। अच्छा। हाँ आइएगा तो हम आपको दिखाएंगे कल वाला भोज, यूट्यूब पर इंटरनेट पर पड़ा है काले वाले बंदरों का। अच्छा। ये हनुमान जी के ये केसरी के वंशज हैं। अरे काले वाले बंदर को खिलाइए 6 महीने के अंदर देखिए क्या होता है करके, तो कोई देख पक्का जय हो। देखिए ये हनुमान जी की कृपा है, मंगलवार को देखो जैन साहब, अगर हम तो हमारा माल खत्म हो गया था, मैं निकल गया होता, लेकिन हनुमान जी ने देखो मंगल का दिन देखा कि नहीं देखा, एक प्रोग्राम सेट हो गया। एक बार आप देख लोगे ना तो खुली आपकी आत्मा कहेगी और लोगों को आप जोड़ोगे, हाँ वहाँ जाओ भाई, वो काले वाले जंगलों में ही देहात में मिलेंगे आपको, वो शहर में नहीं मिलेंगे। हाँ अरे बहुत बड़ा चमत्कार है उनका खिलाने का,
बहुत बड़ा चमत्कार है। फिर पंडित हमारा पक्का है, हाँ ठीक 100% पक्का, बिल्कुल 100% है जी, ठीक हनुमान की बाबा की 100% बिल्कुल बिल्कुल आपको 5 बजे बिल्कुल बिल्कुल आराम, 6 बजे नहीं आप हमको 5 बजे कर दीजिएगा, 5 बजे कीजिए, बल्कि आप 5 बजे आ ही जाओ, आ जाएंगे बस पक्का, हाँ ठीक। अरे मजा आ जाएगा, देखो मंगलवार को ही हनुमान जी ने सेट किया है, ना मैंने किया ना आपने किया, ठीक है तब ठीक है चले, अच्छा जय कहाँ है खाओ, सब कोई खाओ, थोड़ा बच्चा दीवार पर रख दे, सब वहाँ खा रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने डाला है सब खा रहे हैं, लो भैया जगह जगह खा लो भैया, ये जगह जगह खा लो भैया, सब जगह पड़ा हो छुटकन्नू वहाँ खा रहे हैं भैया, सब जगह तुम लोग काले से बिन के खाओ, आधा बचा काहे रहे हो, ये डाल दिया खाओ। ये जैन साहब रहे पेट्रोल पंप वाले, उन्हीं के ये रिश्तेदार हैं जैन मोटर कंपनी के, मंगलवार को देखा अपने आपे प्रोग्राम तय हो गया, लो छपकन्नू ले भैया, लो छपकन्नू खा लो भैया, घसू घसू ऊपर से घसू घसू से खा लो, एक दूसरे को ही भगाए रहते हैं, इसलिए दूर दूर देना पड़ता है, और पता नहीं क्या बात, किसी का हिस्सा को तुम्हारे पेट में बच्चू बच्चू है, लो खाओ तो खा दो, खा दो आओ पेट में बच्चू बच्चू है खा लो, गेहूँ है खाओगे ताकत ताकत देगी, सब पानी खेल रहे देखो खाने के बाद, इनको मजा आ रहा है, ये देखो पानी में खेल रहे हैं, छतकन्नू पानी में खेल रहे हैं, ये कटहा बादाम आ रहा है देखो, ये नीचे आया देखो, ये देखो बड़े शान से मेरे पास चले आ रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो उठाई का है मथुरा का पेड़ा है, अच्छा लाए हो कुछ जी लाए हो कहाँ ला दियो, ठीक ठीक किया ठीक किया, मंगलवार को लोग इसी तरह आते रहते हैं, सबको मिल जाता है, क्या लाए रहे गेहूँ, बहुत ठीक जी, हाँ देखो सब खा रहे हैं ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब ये बंदरिया उस झुंड में नहीं जा पा रही है, देखो इनका ग्रुप अलग है, उनका ग्रुप अलग है, वो छोटा वहाँ पेड़ पर बैठा है इसीलिए निगाह, ये देखो मारे डर के सब दूर बैठे हैं, वो बूढ़ा सरदार वहाँ बैठा हुआ है इस झुंड में नहीं आओ, बीचों बीच में देखो कटहा बालम बैठा है चौधरी बन के, देख रहे हैं आप ये बैठा हुआ है, यह देखा एक कटहे बालम उठावा तुम आओ 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 आओ, उनको जो भय नहीं लगता है, एक पतली सी लकड़ी उठा के इनको भगा दिया, खाओ सब कोई खाओ, सब कोई खाओ छटकन्नू लोग, सब कोई गेहूँ वहूँ खा लो भाई, बिन बिन के सब कोई खाओ, एक कुर से जरूर बोलने बताओ, बुढ़ाते हैं बेचारी का बच्चा हो गया हैं, छोटा सा बच्चा कितना कमजोर बच्चा है, यही आंखें खोलो, यही हनुमान जी की पूजा है, भंडारा करने वालों भंडारा उठावे बेंट, इतने बेत मारे इतने बेत मारे, पूछे ये क्या है, इनको दो जिनके देने वाला कोई नहीं है, ये भी एक मनुष्य की ये भी एक मनुष्य की जाति है, देखा है? खाए हुए के खिलाते भंडारा सड़क पर हो गया, साइन बोर्ड लग गया, डीजे बजा दिया, शर्म करो, हम तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, ले तुम पंडित जी नहा के आ रहे हो क्या, अरे तुम पंडित जी नहा के आ रहे हो क्या, लो पंडित जी लो खा लो खा लो भैया, पंडित जी खाओ खाओ खाओ, ऐसे घेरा ऊपर खाओ खाओ खा दो खा दो, पंडित जी नहा के आ रहे हैं पानी खेल करके, ये पंडित जी एक एक रोटी खा रहे हैं, एक दाना गेहूं का भैया भिगाई लिया करेंगे, अभी तो खैर रोटी आ रहा है, खा लो भैया खा लो खाओ, छोटा दाना पकता, देखो चना सस्ता, लॉकडाउन खत्म हुए चना खरीद दे कस के, देखो आखिर में खोल को गिरा ही दिया सबने, देखा गिरा ही जो दिया, चलो भाई यही सब देखो सीखो समझो, कब कौन सी बात मुंह से निकल जाए उसे सीखो जानो, समय न गंवाओ,
मौत की ट्रेन चली आ रही है, समझ गए? उससे अपने आप को बचा लो तो हम जाने तुम बड़े बहादुर आदमी हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।